प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र कलाम में आप सबका स्वागत है। और आज के इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपसे बात करे, आपको बहुतायत की आशीष दे और ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है वो मत्ती रचिए अध्याय 6 और वचन नंबर 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। और ये वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। प्रियो, आप इन वचनों को समझने की कोशिश करें, आप ध्यानपूर्वक इन वचनों को सुने ताकि आप अपने जीवन में इन वचनों को ग्रहण करके अपनी हर प्रार्थना का उत्तर पा सकें। हालेलुया। तो लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, परमेश्वर इस वचन के जरिए आपसे बात कर रहे हैं कि आपको किस रीति से प्रार्थना करनी है। आपको अन्य जाति की तरह बक बक नहीं करनी। आप जब भी प्रार्थना करो अपने रूम में जाओ, रूम बंद करके परमेश्वर के आगे घुटने टेको और अपने दिल की हर बात परमेश्वर से करो। जैसे आप अपने माता पिता से बात करते हैं, वैसे ही आप परमेश्वर को अपने सामने उपस्थित जानो। और क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्रियो, तो आप परमेश्वर से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करें, बैठें, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, तो वो आपकी प्रार्थनाओं सुनता है और उनके उत्तर भी देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका मांगने से पहले आपके पिता को पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन मेरे प्रिय, दूसरी तरफ वचन ये भी कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। आप मांगिए तो परमेश्वर आपको देंगे मेरे प्रियो, लेकिन मांगने का तरीका कैसा होना चाहिए, इस वचन के जरिए परमेश्वर आपसे वही कह रहे हैं कि आप अन्य जाति की तरह बक बक ना करें। आप इधर उधर खड़े होके ऊंची ऊंची आवाज में प्रार्थना, दिखाने वाली दिखावे वाली प्रार्थना ना करें। जब भी आप प्रार्थना करें, आप अपने रूम में जाइए, परमेश्वर के आगे घुटने टेकिए, स्वर की ओर हाथ उठाकर परमेश्वर से बातें करें, तो वो आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देंगे। हालेलुया। आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा और आपकी आशीषों को कोई रोक नहीं पाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर की हजूरी में बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको अपने हाथों में हमेशा संभाल के रखते हैं। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप इन वचनों के जरिए अपने जीवन को आत्मिक उन्नति की ओर लेके जा पाएं। यही प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की।